हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आपको जीरो साइज़ की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। और ये ड्रेस काफ़ी इजी है और आप ड्रेस का कलर देख रहे हो, गाजर और ब्लू कलर है। इस कलर में ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे आप ड्रेस को किसी भी कलर में और किसी भी साइज में बना सकते हो, पैटर्न सेम ही है। तो चलिए हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बैक बटन है उसको भी प्रेस कर ले, तभी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। सबसे पहले हम जीरो साइज की चोली बना लेंगे। और अगर आपको चोली बनाना नहीं आता है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी। तो हम जीरो साइज की चोली बना लेंगे। और ये 3 प्लाई की वर्धमान वूल है। और चोली बनाने के लिए यानी हम 11 नंबर का क्रोशे यूज़ कर रहे हैं। और ये काशी कलर का धागा है। अब हम यहाँ पर जो ये चोली है, चोली का एंड है यहाँ पर, वहाँ पर हम ब्लू कलर का धागे को जोड़ लेंगे। तो हम ब्लू कलर का धागा जोड़ लेंगे इस तरह से। और फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे। और यहाँ पर हम 1 2 डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे। और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट में फिर से 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4, नेक्स्ट फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया को छोड़ देना है और 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4, नेक्स्ट फिर से हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी हमें फर्स्ट राउंड है ये घेरेगा हमारा। और फर्स्ट राउंड में हमें पूरे राउंड में 4 बार डबल क्रोशिया करना है, 2 डबल क्रोशिया का गैप देकर इस तरह से। नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और नेक्स्ट में 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा। तो हम पूरे राउंड को कम्प्लीट कर लेंगे। तो मैं राउंड को कम्प्लीट कर लेती हूँ। मैंने फर्स्ट राउंड को कम्प्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमारा एंड आया है। और यहाँ पर हम क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे और स्लिप स्टिच करके राउंड को जोड़ लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। राउंड को जोड़ने के बाद में अब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे, यानी घेरे का सेकंड राउंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे। और यहाँ पर हम नेक्स्ट में 6 स्टिच कर देंगे। फिर से हमें 1 2 3 4 5 6 चैन बनानी है। और नेक्स्ट में यहाँ पर हम 6 स्टिच कर देंगे। फिर से 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट में हम 6 स्टिच कर देंगे। और फिर से हम 1 2 3 4 5 6 चैन बनाने के बाद में नेक्स्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में 6 चैन बनाने के बाद में स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। और सेकंड राउंड को हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो हम सेकंड राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले मैं राउंड को कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको थर्ड राउंड बताऊँगी, थर्ड राउंड हमें किस तरह से करना है। तो सेकंड राउंड को मैं कंप्लीट कर लूँगी। सेकंड राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखो लास्ट में हमने स्लिप स्टिच करके राउंड को जोड़ भी लिया है। उसके बाद में हमें फिर से गाजर कलर का धागा जोड़ लेना है जो हमने यहाँ पर चोली में यूज़ किया है, ठीक है। तो उसको हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। तो इस तरह से हम
धागे को जोड़ लेंगे। और यहाँ पर जो जगह दिख रही है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और उसके बाद में हमें इस चैन के अंदर डबल क्रोशे करने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो 10 बार डबल क्रोशे किया है मैंने। तो 10 बार डबल क्रोशे करने के बाद में जो यहाँ पर नेक्स्ट में ये जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर क्रोशे को डालकर हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर से नेक्स्ट में हमें 10 बार डबल क्रोशे करना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। 10 बार हमने डबल क्रोशे कर लिया है। और यहाँ पर नेक्स्ट में जैसे पहले हमने स्लिप स्टिच करके जोड़ा था उसी तरह से नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम फिर से जो ये चैन है इसके अंदर 10 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। तो इसी तरह से हमें पूरे राउंड में सेम इसी पैटर्न को यूज़ करके हमें पूरे राउंड में इस तरह से पत्तियों को बना लेना है। और ये हमारा थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले मैं थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। तो मैंने पूरे राउंड में इन पत्तियों को बना लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे। नेक्स्ट राउंड करने के लिए जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 चैन बनाएंगे। और यहाँ पर पीछे आप देख रहे हो ये जो हमारा यहाँ पर पीछे है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये चैन पीछे की साइड इस तरह से दिखाई देगी। फिर से हम 10 चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। 10 चैन बनाने के बाद में यहाँ पर पीछे की साइड में इस तरह से क्रोशा हुक को डालकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। 10 चैन बनाने के बाद में पीछे की साइड इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये चैन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, पूरे राउंड में हमें इस तरह से चैन को बना लेना है। तो मैं पूरे राउंड में चैन को बना लेती हूँ। तो मैंने पूरे राउंड में पीछे इस तरह से चैन बना लिए और राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट राउंड करना है। नेक्स्ट राउंड करने के लिए हमें इसी कलर का धागा यूज़ करना है और हमें इन चैन के अंदर डबल क्रोशिया करना है, एक दो
तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। तो हमें 14 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। चौदह डबल क्रोशिया करने के बाद में यहाँ पर हमने चैन को स्लिप स्टिच करके जोड़ा था, वहीं पर हम इसको जोड़ लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट में हमें फिर से 14 बार डबल क्रोशिया करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, और फिर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो हमें पूरे राउंड में इसी तरह से सभी चैन के अंदर 14-14 बार डबल क्रोशिया कर लेना है, और इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने राउंड को कंप्लीट कर लिया है, और ये मेरा लास्ट है। यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच करके राउंड को जोड़ लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम इस तरह से फिर धागे को कट कर देंगे, और ये जो धागा निकल रहा है इसको हम पीछे की साइड इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम ब्लू कलर का धागा लेंगे, और यहाँ पर ब्लू कलर का धागा, यहाँ पर ब्लू कलर का धागा पहले से ही ऐड है। तो यहीं पर हम अच्छे से जोड़ लेंगे, और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसी तरह से हमें सभी पत्तियों में आउटलाइन करनी है ब्लू कलर के धागे से। तो मैंने पूरी पत्ती में आउटलाइन कर ली है, और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से नेक्स्ट पत्ती में आउटलाइन करेंगे ब्लू कलर के धागे से। तो इसी तरह से हमें सभी पत्तियों में आउटलाइन कर लेना है। तो यानी हमें ये नेक्स्ट राउंड है, ये लास्ट राउंड है। इस राउंड में हमें सभी पत्तियों में इसी तरह से आउटलाइन कर लेना है। ठीक है, तो मैं पूरी पत्तियों में आउटलाइन कर लेती हूँ। तो मैंने पूरे राउंड में नीले कलर के धागे से आउटलाइन कर ली है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हमें
ये वाइट कलर के पर्ल्स को लेना है, तो इनको हम पर्ल को ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक नीडल ली है जिसमें मैंने काजी कलर का धागा ही डाला है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से नीडल को निकालना है ऊपर की साइड। तो मैंने इस पत्ती को इस पत्ती से अटैच किया है। तो यहाँ पर जोड़ लेने के बाद में हम यहाँ पर नीडल के अंदर लेंगे पर्ल को और फिर इस तरह से नीडल को नीचे की ओर निकालेंगे। तो ये कुछ इस तरह से जुड़ गया है, ठीक है। ऐसे हम नीडल को छोड़ लेंगे। अब हम नेक्स्ट में नीडल को निकालेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पत्ती है उसमें हम नीडल को निकाल लेंगे और सेम इसी तरह से जोड़ेंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट वाली पत्ती को जोड़ा है। इस तरह से तो ये कुछ इस तरह से जुड़ गया है। नेक्स्ट में हमें फिर से सेम इसी तरह से जोड़ना है और पूरे राउंड में पर्ल को लगा लेना है। तो मैं पूरे राउंड में पर्ल को लगा लूँगी। तो मैंने पूरे राउंड में पर्ल को लगा लिए और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है और मेरे चैनल बे पायल रानी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन आप उसको भी प्रेस कर लें, तभी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।